नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद नगर निगम वार्ड नंबर 52 से सभा पार्षद प्रत्याशी इमरान मंसूरी ने नूर नगर दिदामई में जनसंपर्क किया। बुजुर्गों नौजवानों का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। इमरान मंसूरी ने कहा, हमने बिना पार्षद के शहर में 28 समर सेविल लगवाए, 18 बिजली के ट्रांसफार्मर, वही 700 बिजली के पोल लगवाए, सुपरफाइन रोड, रामगढ़ रोड, कोहिनूर रोड भी बनवाए। नई आबादी में हर पोल पर 400 LED लाइट लगवाई। आपके सहयोग से अगर हम पार्षद बनते हैं तो वार्ड में हर गली और सीसी एक सामुदायिक केंद्र, एक पार्क, एक पानी की टंकी लगवाकर घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और क्या कहा, आगे की रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। चाहे पानी का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देने का हम काम करेंगे, आपके क्षेत्र में एक बड़ी पानी टंकी का बनाने का काम करेंगे ताकि आपके घर एक अच्छा पानी प्राप्त हो सके। तमाम योजनाएं हैं जो हम लोग तक नहीं पहुंचती, लेकिन उसके दूसरा लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ये ऑफिसों में लोग RSS के मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों के साथ कोई अच्छी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हर वो योजनाओं का लाभ आपके बीच तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे वो विधवा पेंशन की समस्या हो, चाहे वृद्धा पेंशन की समस्या हो। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमने समाजवादी पार्टी पेंशन योजना के अंतर्गत हर बुजुर्ग महिलाओं को, नौजवानों को 500 महीने देने का काम किया था। समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने दी है। लेकिन हार का कारण हम लोग आपस में हाथी, साइकिल, कांग्रेस, पतंग में बैठ जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कोई हरा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मेयर प्रत्याशी टिकट मुसलमानों को दिया है ताकि इन लोगों का वोट बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनका वोट दो जगह बटे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। वो मायावती सरकार में थी, मुसलमानों को कट्टरपंथी बताती थी, ये मुसलमान कट्टरपंथी है। कट्टरपंथी यह है कि हम लोग पहले एक साथ, एकता के साथ हम लोग मतदान करते थे, वोट देते थे, जिसकी चाहती सरकार बनाते थे, जिसकी सरकार चाहते थे गिराते थे। लेकिन हम लोग फिरादरबाज में बैठकर, पार्टी पार्टी में बैठकर हम लोग आज चुनाव हारते रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, गुजारिश है, महापौर के प्रत्याशी नौशाद अली सिद्दीकी,